नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम शुक्ला और आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट के इंसर्ट टैब के बारे में। देखिए, यहां पर इंसर्ट टैब में बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो यहां पर ग्रुप है टेबल्स, और टेबल्स में सबसे पहला ऑप्शन है पिवोट टेबल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिवोट टेबल का विशेषली हम इस तरीके से अगर इसके डेफिनेशन बात करें तो क्या है, किसी कॉम्प्लिकेटेड डेटा को हम इजी वे में दर्शाने के लिए पिवोट टेबल का यूज़ करते हैं। अब कैसे यूज़ करते हैं जरा देखिए। जैसे कि यहाँ पर हमने एक लिस्ट बनाई हुई है कि यहाँ पर स्टेज दिए हैं और उनमें से कौन से आइटम कितना कितना सेल होता है। इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, अब इसको हम इजी वे में जरा बनाते हैं पिवोट टेबल की मदद से। इसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है, पिवोट टेबल पर क्लिक करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर टेबल रेंज हम चाहें तो यहाँ पर पिवोट टेबल पर से क्लिक करके भी हम यहाँ रेंज सेलेक्ट कर सकते थे, और चाहें तो डायरेक्ट सेलेक्ट करके पिवोट टेबल पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर न्यू वर्कशीट, हमने जो पिवोट टेबल इंसर्ट करानी है या तो नई वर्कशीट पे कराएं या एग्जिस्टिंग वर्कशीट, जिस वर्कशीट पे हम काम कर रहे हैं उसी पे करा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्ड पे क्लिक कर देते हैं, और सॉरी यहाँ पर हमने लोकेशन नहीं दी हम कहाँ पे कराना है, जैसे कि हमको यहाँ पर कराना है और ओके कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पिवोट टेबल इंसर्ट हो चुकी है और उसके साथ में एक टास्क पेन भी आ चुका है। अब टास्क पेन में हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर सबसे पहले दिया है रिपोर्ट फिल्टर, कॉलम लेबल्स, रो लेबल्स, वैल्यूज, हमारा जो डेटा है हम उसको यहाँ पर विभाजित करते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं। देखिए स्टेट को हम ले जाएंगे और इसमें कॉलम में इंसर्ट करा लेंगे, आइटम को ले लेंगे यहाँ से और इसको हम रो में इंसर्ट करा लेंगे, और वैल्यू में हमको नंबर डेटा इंसर्ट कराना होता है। चूँकि सेल में देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सेल में जो है नंबर डेटा है, इसलिए हम यहाँ पर वैल्यू वाले जो कॉलम है, वैल्यू वाला जो एरिया, यहाँ पर हम सेल का जो है डेटा एंटर कराएंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर इंटर करा दिया है और यह जो पिवोट टेबल का जो है इस तरीके से बन के आ रहा है। अब देखिए ये कितना इजी वे में बन चुका है हमारा। देखिए यहाँ पर ओनियन कहाँ कहाँ सेल हो रहा है, कितना कितना, यहाँ पे देखिए बिहार में सो रहा है इतना, दिल्ली में, यूपी में इतना, ग्रैंड टोटल भी करके बता रहा है, पोटैटो कितना यहाँ पे सेल हो रहा है, ये सारा कुछ है और ये टोटल का भी ग्रैंड टोटल बता रहा है। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ भी चेंज करना, जैसे कि यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो देखिए कि अगर हमें किसी एक चीज़ का लेना हो डेटा, तो हम जैसे टोमेटो का खाली पता करना चाहते हैं तीनों स्टेट में कितना बिक रहा है, ओके करेंगे। अब देखिए टोमेटो का ग्रैंड टोटल बता रहा है और टोमेटो का कितना सेल हो रहा है, ये सारा कुछ बता रहा है। हम चाहें तो इसको फिर से पुनः प्राप्त कर सकते हैं सिलेक्ट ऑल पर से, किसी एक का भी मतलब निकाल सकते हैं। इसलिए अगर बड़ा डेटा है तो उसको हम बड़े आसानी से अरेंज कर पाते हैं। यहाँ पर देखिए स्टेट वाइज भी हम देख सकते हैं, माना कि हमको यूपी में केवल देखना है तो हम इन सब दोनों को हटा देंगे और ओके करेंगे। देखिए यूपी का भी बता रहा है कितना सेल हो रहा है, वो सारा कुछ यूपी का बता रहा है। इसको हम जा करके फिर से हम दे देते हैं और सारा कुछ डेटा उसी तरीके से अरेंज हो जाएगा। फिर हम बात करें यहाँ पर इंसर्ट टेबल में, जो बात करें टेबल है, टेबल को हम किस तरीके से देखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर एक बनाई हुई है, इसको हम चाहें तो टेबल फॉर्मेट दे सकते हैं। यहाँ से लिया हमने और यहाँ पर टेबल क्रिएट कर दिया, इस तरीके से टेबल का फॉर्मेट बन चुका है। इसको बड़ा करना चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं, मतलब डबल भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने टेबल के यहाँ जब देखेंगे तो टेबल में बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जिनको हम एक एक करके यूज़ कर सकते हैं, और टेबल के फॉर्मेट्स भी हम नए नए चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से हम किसी भी डेटा को हम टेबल फॉर्मेट में भी बना सकते हैं। ठीक, हम फिर बात करते हैं यहाँ पर पिक्चर की। देखिए पिवोट टेबल जब हमने यूज़ करी थी, देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं बताना भूल गया। देखिए पिवोट टेबल जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन का जो है मिल जाता है, और ये पूरा पिवोट टेबल का ही है। हम आपको एक एक करके एक पिवोट टेबल पर ही एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, ताकि आप पिवोट टेबल के सारे ऑप्शंस का यूज़ करके देख सकें अच्छे तरीके से। यहाँ पर पिवोट टेबल का नाम देना होता है, यहाँ पर जिस फील्ड का नाम बदलना चाहते हो वहाँ पर बदल सकते हो। जैसे कि अभी यहाँ पर सम लगा हुआ है, हम इसको चाहें तो बहुत सारी चीज़ें चेंज भी कर सकते हैं। थोड़ा सा बता देते हैं, जब फील्ड सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पर एवरेज वगैरह भी लगा सकते हैं। अभी हमको सम करके बता रहा है, अगर हम एवरेज लगाते हैं तो इन सभी चीज़ों का एवरेज करके बताने लगेगा। देखिए एवरेज ये बताने लग गया है, तो हम ये अलग तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, और इस पर पूरा काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम इसको यहाँ पर रोकते हैं और इंसर्ट टैब के और बाकी की बात करते हैं। अब यहाँ पर चलिए हम सीट टू पे चलते हैं, और यहाँ पर आता है पिक्चर्स। पिक्चर्स में क्या होता है कि बेसिकली जो भी पिक्चर अगर हम इंसर्ट कराना चाहते हों अपने डॉक्यूमेंट्स में, सॉरी चार्ट शीट में, तो हम यहाँ पर जाकर के कोई भी पिक्चर ले लेते हैं और यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं इस तरीके से, और इसको हम चाहें तो कंप्रेस भी कर लें। जब ये तीर का निशान इस तरीके से हो जाता है तो हम इसको कंप्रेस करते हैं और इसको हम यहाँ पे पिक्चर को इंसर्ट करा सकते हैं इस तरीके से, और भी कंप्रेस हो गया इसको। और यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ लिखी है, आपकी सोच, हिम्मत और भरोसे पर निर्भर करता है कि आप अपना लक्ष्य अपने लिए कठिन बनाएंगे या आसान। बहुत अच्छी चीज़ है।
चलिए यहाँ पर इसको अगर हम चाहें तो कुछ ब्राइटनेस वगैरह भी अगर इसकी बढ़ाना चाहें घटाना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस बहुत ही इजी हैं और इनको एक एक करके आप खुद यूज कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना चाहें घटाना चाहें तो यहाँ से ये कर सकते हैं। और कॉम्प्रेस पिक्चर, मतलब कि कम पिक्चर को और भी छोटा बड़ा करना हो तो अप्लाई सिलेक्टेड पिक्चर, तो हमको जो पहले से भी अप्लाई है इसको हम इस तरीके से और भी कंप्रेस करना चाहें छोटा तो कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर बनी बनाई स्टाइल्स हैं जिनको हम पहले से जिनको अप्लाई करके हम देख सकते हैं। इस तरीके से पिक्चर की शेप वगैरह हम और भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, और फॉर्मेट में लेना चाहें तो हम जैसे भी लेना चाहें वैसा कर सकते हैं। यहाँ पर सिलेक्शन पेन अलाइन ग्रुप है काफ़ी, जब पिक्चर कई सारी इंसर्ट हों तो उनको अलाइन करते हैं, लेफ्ट अलाइन राइट अलाइन अगर हम ज़्यादा पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो उनके लिए है। फिर हम बात करते हैं क्लिप आर्ट की। क्लिप आर्ट जैसे क्या होती हैं, बेसिकली हमारे टास्क पेन यहाँ साइड में बन के आ जाता है। क्लिप आर्ट पर जब क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए गो पे जब हम क्लिक करते हैं तो बहुत सारी क्लिप आर्ट जो पहले से पड़ी पड़ाई होती हैं, छोटी छोटी क्लिप आर्ट ये यहाँ पर इस तरीके से। ओके, क्लिप आर्ट को एक और भी चीज़ है, क्लिप आर्ट को हम चाहें तो कुछ और तरीके से भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे अगर हम चेंज पिक्चर पर क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पर क्लिप आर्ट की जगह पर अपनी पिक्चर भी ला सकते हैं जो कि सिस्टम में पड़ी हो। ठीक है, यहाँ पर क्लिप आर्ट पे भी बहुत सारे ऑप्शन जो पिक्चर पे मिलते हैं सेम यहाँ पर भी मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें इंसर्ट हो चुकी हैं, तो यहाँ पर ब्रिंग टू फ्रंट अगर इसको हम ले जाते हैं तो देखिए ऊपर है, अगर हम सेंड टू बैक करते हैं तो ये इसके पीछे चला जाता है और ये ऊपर आ जाता है। ठीक, तो इसको हम इन दोनों को चाहें तो ग्रुप भी कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ अगर सेलेक्ट कर लें दोनों को तो हम अगर ग्रुप पे क्लिक कर दें तो ये दोनों ग्रुप हो जाती हैं, मतलब अगर हम उठाते हैं तो ये दोनों एक साथ उठनी चाहिए। देखिए हाँ, ये दोनों ही ग्रुप हो चुकी हैं और इनको चाहें तो अनग्रुप भी कर सकते हैं हम यहाँ से अलग अलग करके इस तरीके से। फिर हम बात करें इंसर्ट के अगले, स्मार्ट आर्ट इसको बोलते हैं। स्मार्ट आर्ट बेसिकली क्या होती है कि बनी बनाई आकृतियाँ होती हैं। क्वेश्चन भी पूछता है कि स्मार्ट आर्ट क्या है, तो ये बनी बनाई पहले से आकृतियाँ हैं जो देखने में अच्छी लगती हैं। जैसे कि यहाँ पर एक ये है पिक्चर कैप्शन लिस्ट, इसको हम इंसर्ट कराते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट है और ये पिक्चर्स हैं, इस पर अगर क्लिक करते हैं हम तो यहाँ पर पिक्चर कोई भी इंसर्ट करा सकते हैं इनमें से, जैसे किसी को भी सिलेक्ट कर लें तो इसी तरीके से सब में इंसर्ट करा सकते हैं। और यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हैं, उसके बारे में लिख सकते हैं, कुछ भी पिक्चर का नाम जैसे कि दे सकते हैं। तो एक अच्छी चीज़ है जिसके थ्रू हम यहाँ पर पिक्चर हो जाएंगे चार जगह और उनके नाम हो जाएंगे नीचे। और इसी पर ही हम बहुत सारे जैसे कि जो यहाँ पर नाम दिए हैं वो बुलेट्स के रूप में हैं और राइट टू लेफ्ट है, माना कि जो हम लिख रहे हैं वो किस तरीके से है, वो सारी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके लेआउट चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, कलर भी इसके चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, कलर भी चेंज हो जाते हैं। और उसके बाद में ये क्योंकि ये डिज़ाइन टैब खुल जाता है और इसमें सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर जो है चार्ट ग्रुप की। चार्ट ग्रुप में सारे चार्ट मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेता है कि पाई चार्ट की आकृति कैसी होती है, तो पाई चार्ट की आकृति इस तरीके की होती है और वहाँ पर चित्र आपका बना हुआ होता है। तो पाई चार्ट जो होता है वो एक ही वैल्यू को शो कराता है, मतलब एक ही टाइप की वैल्यू जो है उनको रिलेट कराने के लिए। जैसे ये सबसे पहले आते हैं कॉलम चार्ट की, जैसे हम यहाँ पर से एक डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं जो यहाँ पर दिया हुआ है और इस पर हम कॉलम चार्ट अप्लाई करते हैं। यहाँ पर से हम कोई भी एक लेआउट ले लेंगे और एक कॉलम चार्ट, देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो इस तरीके से सबसे हाई अबव जा रही है, इस तरीके से जो बड़ी हैं छोटी उनको इस तरीके से चार्ट के थ्रू हम देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि यहाँ पर क्वेश्चन एक पूछता है कि जो चार्ट है अगर उसी सीट पर इंसर्ट है जिस पे हमारा डेटा पड़ा हुआ है तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको एम्बेडेड चार्ट सीट बोलते हैं। लेकिन अगर इसी चार्ट को हम एक सेपरेट चार्ट यहाँ पर सीट ले लें और यहाँ पर केवल चार्ट इंसर्ट कराएं तो उसको बोलते हैं चार्ट सीट। या सीए लोग जो होते हैं, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो इस तरीके से चार्ट सीट वगैरह बहुत सारी तैयार करते हैं, मतलब किसी भी डेटा की खाली चार्ट वगैरह तैयार करते हैं जिससे हमें डेटा को समझने में आसानी हो मिले। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी डेटा का। अगर ये भी पूछ सकता है कि चार्ट सीट क्या है, तो किसी भी डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है चार्ट सीट। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर अनदर है, जैसे कि पाई चार्ट अगर इसी पर अप्लाई करते हैं तो देखिए इस तरीके से पाई चार्ट अप्लाई है तो हमको यहाँ पर डेटा का अलग अलग नाम बता रहा है और कितने कितने उन्होंने मार्क्स गेन किए हैं उसी के हिसाब से डेटा को डिवाइड कर रहा है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शंस इसके मिल जाते हैं जिनको डिफरेंट डिफरेंट करके अप्लाई करके देख सकते हैं, कलर वगैरह वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। फिर इंसर्ट टैब में बात करें तो हम ये सारे अदर चार्ट में भी हम जा करके बहुत सारे चार्ट लगा सकते हैं। हाइपरलिंक क्या है, बेसिकता किसी भी एक वर्ड को, जैसे मान लिया हमने ये वर्ड सेलेक्ट किया हुआ है और इस पर सिलेक्ट करके हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं। हाइपरलिंक में हम जा करके किसी भी चीज़ का, जैसे कि इसको हम ले लिए
यहाँ से कोई भी फाइल ले सकते हैं, जैसे ये हमने ली है और ओके कर दिया। अब इस वाले जो वर्ड है इससे हमारा वो फाइल लिंक हो चुकी है। अगर कंट्रोल के साथ अगर हम इस पर क्लिक कर देते हैं, सॉरी इसी तरीके से क्लिक करते हैं, तो वो चीज़ पूछेगा कि हम खोलना चाहते हैं। देखिए कंट्रोल का जो ऑप्शन है कंट्रोल के साथ क्लिक करना, वो एमएस वर्ड में आता है, यहाँ पर हाइपरलिंक में नहीं आता है। इस पर हम डायरेक्टली क्लिक करते हैं, अगर हम यस कर दें तो वही वाली फाइल खुल जाएगी जो हमने यहाँ पर लिंक कराई हुई है। फिर हम बात करें टेक्स्ट बॉक्स की। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, कहीं पर सिंपली कोई भी टेक्स्ट अगर इंसर्ट कराना है, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करते हैं और इसको ड्रैग कर लेते हैं यहाँ पर, और कहीं पर भी हमको अगर टेक्स्ट इंसर्ट कराना है तो हम टेक्स्ट बॉक्स के यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। तो कहीं डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी अगर हमें टेक्स्ट चाहिए किसी स्पेसिफिक जगह पर, तो हम टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू उसको इंसर्ट करा सकते हैं। फिर हम बात करें हेडर एंड फुटर की। अपने डॉक्यूमेंट में हेडर एंड फुटर होते हैं, मतलब कि हेडर सबसे ऊपरी भाग में। हेडर पर यहाँ पर देखिए बहुत सारे कंटेंट हैं, मतलब कि जिसको हम चाहें, जैसे पेज नंबर अगर हम हेडर फिर देना चाहते हैं तो यहाँ पर दे सकते हैं। अलग अलग तरीके हैं, मतलब जो भी हम चाहें, पेज वन इस तरीके से पेज वन आ जाएगा और पेज टू इस तरीके से हमारा डॉक्यूमेंट अलग अलग दिखता रहेगा। फिर हम बात करें इसी में ही हेडर एंड फुटर में जो बचता है फुटर, फुटर पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ये पेज के फुटर में दिखेगा, देखिए यहाँ पर नीचे आ चुके हैं पेज के, और सीट टू इस तरीके से दिख रहा है, हमने सीट टू का डेटा वहाँ से चुना था इसलिए सीट टू दिख रहा है। फिर इसी तरीके से हम बात करेंगे अगले वाले वर्ड आर्ट, जैसे कि इसको हम हटा देते हैं हेडर फुटर का। वर्ड आर्ट क्या है, बेसिकली स्मार्ट आर्ट है जो कि हमने एम एस वर्ड में भी देखा था। इस तरीके से हम वर्ड आर्ट पर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, और यहाँ पर हम अपना टेक्स्ट टाइप करते हैं जिस पर हमें वर्ड आर्ट लगानी है, जैसे मान लीजिए कोई भी टेक्स्ट है, और यहाँ से हम उसके इफेक्ट्स वगैरह अलग अलग तरीके के, मान लीजिए 3D रोटेशन में अगर हम चाहते हैं तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं और बहुत अच्छा तरीके से इसको बना सकते हैं। फिर यहाँ आउटलाइन भी दे सकते हैं टेक्स्ट की, मान लीजिए कि इस तरीके से आउटलाइन दी जा सकती है, टेक्स्ट फिल और भी कुछ इसमें फिलअप, जिसे कलर फिल कर सकते हो। ओके यहाँ पर और ये सारे सेव किया कर दिया, मतलब चाहें तो हम इसको यहाँ से सेव भी इंसर्ट करा सकते हैं, जिन पर भी हम फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं सारे। तो वर्ड आर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद हम बात करें सिग्नेचर लाइन की। जैसे सिग्नेचर लाइन क्या है कि हमारा पूरा सीट तैयार हो चुका है और हम चाहते हैं कि इसको जहाँ पर रिप्रेजेंट करना है उनके सिग्नेचर लेने हैं, तो हम सिग्नेचर लाइन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उनका टाइटल क्या है, जैसे मान लिया कि उनका नाम क्या है, वो नाम दे देंगे कोई भी, जैसे मान लिया कि अपना नाम देना हो, जैसे हम अपना ही नाम दे रहे हैं शुभम शुक्ला, और यहाँ पर सिग्नेचर जैसे क्या है वो मैनेजर डाल देते हैं, और यहाँ पर ईमेल एड्रेस अगर है तो डाल दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं। ओके जैसे ओके करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि एक सिग्नेचर बॉक्स आ चुका है, इसको हम चाहें तो कहीं भी इंसर्ट करा सकते हैं। फिर देखें ये सिग्नेचर जो है बेसिकली क्या है कि यहाँ पर हमारा एक्स आ रहा है, तो हम इसको चाहें तो हटा भी सकते हैं एक्स को। कैसे हटाते हैं, देखिए ऑब्जेक्ट पर जाके क्लिक करते हैं, अभी हमारा सिग्नेचर सेलेक्टेड है, सॉरी यहाँ पर पहले इसको सिलेक्टेड है, इसको हम कट कर लेते हैं ठीक, और ऑब्जेक्ट में जाते हैं, यहाँ से बिटमैप इमेज पे क्लिक करते हैं और ओके कर देते हैं, तो हमारा जो है बिटमैप इमेज का पेन खुल के आ जाता है इस तरीके से, और हम यहाँ पर पेस्ट कराते हैं इसको ठीक। अब हमको यहाँ से ऑप्शन मिल जाते हैं, बहुत सारे से रबड़ उठाते हैं और इसको इरेज कर देते हैं अगर एक्स को, यहाँ पर जो है सिग्नेचर हो जाएंगे, और यहाँ पर इसको हम कट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो है सिग्नेचर बॉक्स जो है इंसर्ट हो चुका है, और इसको हम चाहें तो छोटा बड़ा कर सकते हैं, और अब हमको एक्स भी हट चुका है तो यहाँ पर हम सिग्नेचर कर देंगे। फिर बात करें कि यहाँ पर जो लास्ट बचता है और इसको बोलते हैं सिंबल, बहुत सारे सिंबल जो हमारे कीबोर्ड में नहीं मिलते वो यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं, इंसर्ट करा सकते हैं। ओके क्लोज कर देंगे तो ये देखिए इंसर्ट हो चुका है सिंबल, और यहीं पर हमारा इंसर्ट टैब समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और कोई सुझाव हो तो हमें ज़रूर बताइएगा, और आप किस चीज़ के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं। ये तो सारी सीरीज चल रही है एक्सेल्स की, जिसमें हम सारे एक्सेल्स के ग्रुप के बात करेंगे, और पूरी एमएस ऑफिस की सीरीज है, हमने एमएस वर्ड की सारी सीरीज अपलोड करी है, इसी तरीके से एक्सेल के सारे फार्मूले सारे टैब को हम बात करेंगे। थैंक्स।